मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गीता पुष्कर धामी, विधायक किशोर उपाध्याय, फकीर राम तमटा और पूर्व वन मंत्री दिनेश अग्रवाल ने भी वृक्षारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी देहरादून के सिटी पार्क में वृक्षारोपण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये हमारा दायित्व है, पर्यावरण बचाने के लिए हम सभी लोग संकल्पित रहें और हम लोग अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से वन अग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं और जल स्रोत सूख रहे हैं, उसको देखते हुए हमें अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाने हैं ताकि इन घटनाओं को रोका जा सके। मैं सबसे पहले तो आज विश्व पर्यावरण दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये दिवस हमारे लिए विशेष है, क्योंकि इस दिवस को हम सब संकल्प लेते हैं कि पर्यावरण के प्रति जो भी हम सबका दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, जो जिस रूप में भी कर सकता है उसे करे। इस वर्ष चूँकि वनाग्नि भी हुई है, तमाम प्रकार से पिछले सालों में जिस प्रकार हमारे जल के स्रोत कम हुए हैं और धरातल पर जो जल का स्तर है वह भी काफ़ी नीचे गया है, उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है, कमी आई है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग वृक्षारोपण करें, जल का संचय करें, जो हमारे स्रोत हैं उन स्रोतों पर विशेष रूप से ध्यान देकर वो स्रोत हमारे चलते रहें। नदी नाले, हमारे गधेरे गाड़, ये सब किसी न किसी रूप में रहें और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे वृक्षारोपण का भी है। हमको आज के दिवस पर वृक्षारोपण का भी संकल्प लेना चाहिए, साथ साथ जल संचय का भी संरक्षण लेना चाहिए। सरकार की तरफ से हम पूरे प्रदेश के अंदर जुलाई माह में पेड़ सेवा भी एक दिन करेंगे, जिसमें हम सबको जोड़ेंगे, सबको सहभागी बनाकर सभी लोग अपने अपने स्थानों पर पेड़ सेवा करेंगे। उसी प्रकार जल का रिजर्वेशन बोर्ड उत्तराखंड की सरकार बना रही है, लेकिन हमें अपने अपने स्तर पर भी अपने घरों से लेकर अपने दैनिक उपयोग में जल का संचय अधिक से अधिक करें, क्योंकि आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ये हिमालय जिस प्रकार से आज कहीं ना कहीं हिमालय के सामने चुनौती है कि पूरे देश को, पूरे पर्यावरण को स्वच्छ रखना, सुरक्षित रखना, उसकी सुरक्षा करना, उसका संवर्धन करना, तो हम उस दिशा में भी हमारा पहला दायित्व बनता है, क्योंकि सबको शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, शुद्ध जल कहीं से मिलता है तो उसमें सबसे पहले हिमालय अपना योगदान देता है, इसलिए हिमालय भी बसना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के सिटी पार्क में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण किया और प्रदेश के सभी लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। वह इस बीच देहरादून के वार्ड नंबर 59 के निवर्तमान पार्षद पति संजीत बंसल ने कहा कि सिटी पार्क में 5000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पर्यावरण संरक्षण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेनी चाहिए और नैतिक जिम्मेदारी के रूप में वृक्षारोपण करना चाहिए। पर्यावरण के दिवस पर देखिए, आप जहां आज खड़े हैं, ये ना हमारी तला नागल राव होती थी, इसमें उत्तराखंड का सबसे बड़ा पार्क जो नवनिर्मित पार्क बन रहा है और लगभग 180 बीघा है, जिसमें 5000 पेड़ लगाने का जो संकल्प है, देख रहे हैं आप चारों तरफ। अभी 3 माह पहले भी आप यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसका शुभारम्भ किया था तो कुछ और कम पेड़ थे, आज पेड़ ही पेड़ लग चुके हैं। तीसरा, मैं आपसे, आप जानते हैं कि देखिए हमारे जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि और चलो जल जो स्रोत हैं वो भी सूखते जा रहे हैं, तो हमें पर्यावरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और सबको अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए वृक्षारोपण करना चाहिए और उसे पालना भी चाहिए। भले एक पेड़ लगाएं लेकिन उसे पालें, और वरन ये जो जंगलों में आग लगाते हैं, मैं आपके माध्यम से भी उन्हें, उन सभी को भी एक बात बोलना चाहूँगा कि भैया किसी भी तरह आप जंगलों में आग ना लगाएं। जंगल में हमारे जो वृक्ष सूखते हैं, वृक्ष सूखने के साथ साथ आप देखते होंगे गर्मियों में जो हमारे पशु पक्षी होते हैं, उनके बच्चों का टाइम होता है, वो बच्चे भी, अनेक बच्चे उसमें क्या कहते हैं, वनाग्नि में जल जाते हैं। आपके भागीदारी ना बने और पर्यावरण को